आज की वीडियो स्पॉन्सर की है मीशो ने। मीशो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके इनके प्रोडक्ट्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आपको मेरा रेफरल कोड भी मिलेगा जिसको अगर आप अपनी पहली परचेज पर यूज़ करेंगे तो आपको 30% ऑफ भी मिलेगा। तो इसलिए एप्लीकेशन को ट्राई ज़रूर कीजिए। क्या आप घर में गुलाब का पौधा लगाते हैं और आप हर साल सर्दियां आने का वेट करते हैं कि सर्दियों में गुलाब का पौधा बहुत सारे फूल देगा, लेकिन आप डिसअपॉइंट होते हैं सर्दियां आने पर क्योंकि गुलाब के पौधे पर एक भी फूल नहीं आया या फिर सिर्फ एक दो छोटे मोटे फूल आए। तो आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से गुलाब के पौधे पर दो टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा फूल ले पाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके यहाँ एक्वेरियम है, आपके घर में आपने एक्वेरियम रखा हुआ है, आपको कहीं से एक्वेरियम का वेस्ट पानी मिल जाए, जब आपने घर में एक्वेरियम रखा होगा तो आप उसका कम से कम महीने में 2 से 3 बार पानी 30% पानी चेंज ज़रूर करते होंगे। और जब पानी चेंज करते हैं तो उसके जो एक्वेरियम में सारे डेकोरेटिव पीसेस रखे होते हैं, जो भी उसमें ऑर्नामेंट्स हमने रखे होते हैं, उनको भी हम वॉश करते हैं, साथ में फ़िल्टर भी वॉश करते हैं, फ़िल्टर का स्पंज भी हम वॉश करते हैं पानी के अंदर। तो इस पानी के अंदर बहुत सारा फिश वेस्ट होता है, इस पानी के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन होता है और पोटेशियम और फॉस्फोरस भी ट्रेस इसके एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस पानी के अंदर। और ये नाइट्रोजन से भरा हुआ पानी अगर आप एक्वेरियम में छोड़ेंगे तो आपके मछलियों के लिए जहर का काम करेगा, मछलियों को जल्दी मारेगा। और इस पानी को, इस नाइट्रोजन से रिच पानी को अगर आप अपने प्लांट्स में डालेंगे तो प्लांट्स आपके लश ग्रीन होंगे, प्लांट्स बहुत ज़्यादा हरे भरे होंगे और बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और आप देख के हैरान रह जाएंगे अपने प्लांट्स की ग्रोथ की, इतनी जल्दी प्लांट की ग्रोथ इस पानी को डालते कैसे हो गई। तो कभी भी जो भी एक्वेरियम का चेंज करते हुए पानी हम लोग फेंक देते हैं निकाल के, उसको कभी भी फेंकिए मत, उसको हमेशा अपने गमलों में ज़रूर डालिए और कमाल आप अपनी आंखों से खुद देखिए। इस मेरे गुलाब के पौधे में मैंने एक महीने से मैं एक्वेरियम का पानी डाल रहा हूँ और आप इसकी देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें न्यू ग्रोथ हुई है। और इसकी पत्तियों का आप साइज़ देखिए कि कितनी ज़्यादा हेल्दी इसकी पत्तियाँ लग रही हैं और कितनी अच्छी इस प्लांट में ग्रोथ हुई है। इसके अलावा गुलाब के पौधे पर ज़्यादा फूल पाने के लिए एक दूसरी ट्रिक जो होगी वो होगी बोरॉन का इस्तेमाल करना। हम अक्सर पौधे में नाइट्रोजन की कमी तो नहीं होने देते, हम गोबर की खाद देते हैं जिससे नाइट्रोजन की कमी पौधे में नहीं होती, लेकिन उसमें फूल नहीं आते क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पौधे की सिर्फ पत्तियां बनाने में मदद करता है। फूल के लिए पौधे को और भी काफ़ी सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिनमें से एक है बोरॉन, जो कि अक्सर गुलाब के पौधे में जिसकी कमी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर बोरिक एसिड का जो पाउडर होता है, जो आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे 10 से 15 रुपए में आप उसको 50 ग्राम आपको मिल जाएगा, किसी भी केमिस्ट शॉप पे कहीं पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है आपको। और इसका आपने 1 लीटर पानी में सिर्फ एक चुटकी या 5 ग्राम से ज़्यादा आपने इसका यूज़ नहीं करना। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ये नुकसान देगा, पौधे को नुकसान देगा और आपको उल्टा रिजल्ट है, ख़राब रिजल्ट देगा और पौधा आपका मरना भी शुरू हो जाएगा। तो आप एक छोटा सा इसका पिंच 1 लीटर पानी में डाल के आप इसे 3-4 अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसे सिर्फ गुलाब के पौधों पर ही नहीं, अगर आपने कॉलीफ्लावर घर में लगाया, गोभी लगाई है, कोई बड़ी सब्जियां आपने घर में लगाई हैं तो उनके ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और आपको अच्छी यील्ड मिलेगी। तो जिन लोगों की शिकायत होती है कि पौधे के पत्ते पीले पड़ने लग गए हैं और हम पौधे को खूब सारी खाद भी देते हैं तब भी कोई फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा हमने धूप में रखा है तब भी फूल नहीं है, तो वो लोग हो सकता है कि आपके पौधे में बोरॉन की कमी हो, तो आप बोरॉन का स्प्रे इसमें कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी 2 टिप्स गुलाब के पौधे के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और मीशो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।